नमस्कार, न्यूज ट्रेंड इंडिया के साथ मैं प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज के खास खबरों पर एक नजर। कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर को देखते हुए चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड पर है। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मुख्यालय स्थित लियो कॉलेज परिसर में एक दिवसीय महावैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं एक दिन में रिकॉर्ड 500 से अधिक वैक्सीनेशन के टीके लगाकर रिकॉर्ड कायम किया गया। वहीं लियो कॉलेज निदेशक मनीष त्रिवेदी ने बताया कि चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन की पहल पर लियो कॉलेज परिसर में महावैक्सीनेशन शिविर का शुभारंभ किया गया। वहीं शुभारंभ में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, जीजीटीयू कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी, सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी ने शिरकत की। महामारी के दौर में एक ही दिन में रिकॉर्ड 500 से अधिक टीके लगाकर आम जन को राहत दी है। त्रिवेदी ने बताया कि 470 व्यक्तियों को प्रथम डोज के टीके लगे, वहीं 55 से अधिक लोगों को सेकेंड डोज के टीके लगाए गए। वहीं इस शिविर में सीएससी चिड़ियावासा के चिकित्सा कार्मिकों का भी सहयोग मिला। वैक्सीनेशन शिविर में टीके लगवाने आए आमजन के साथ जिला कलेक्टर भी मुखातिब हुए। वहीं कुलपति ने अगले सत्र में कॉलेज और स्कूल के विद्यार्थियों के लिए टीके अनिवार्य किए हैं। मनीष त्रिवेदी ने आगे और जानकारी देते हुए बताया कि इस एक दिवसीय महावैक्सीनेशन शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं लोगों ने इस पुनीत कार्य की सराहना भी की। आपको बता दें कि अब तक बांसवाड़ा जिले में यह पहला महावैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। इसके बाद एक ही दिन में 500 से अधिक वैक्सीनेशन के टीके लगाए गए। वह इस शिविर में लियो कॉलेज की ओर से निदेशक मनीष त्रिवेदी, विनीत याग्निक, कमल पंड्या, चिराग पंड्या, पुरोहित, कमलेश जोशी आदि ने सहयोग किया।